हेलो एवरीवन, मेरे चैनल किंग्समैन ई हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, यदि आप अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, आप प्रिंसिपल बनने का सपना देख रहे हैं, आप प्रोफेसर बनने का, रीडर बनने का सपना देख रहे हैं, तो मित्रों, आपके लिए यह समाचार बहुत ही विशेष है। यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा। इसका टाइटल है नए शिक्षा आयोग का गठन। अभी तक आपको मालूम होना चाहिए कि जो शिक्षा आयोग थे वो अलग अलग प्रकार के थे, जैसे प्राथमिक और जूनियर के लिए था बेसिक शिक्षा परिषद, और माध्यमिक कक्षाओं के लिए था माध्यमिक शिक्षा परिषद, और जो है माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, और विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेजों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए था उच्चतर शिक्षा आयोग। लेकिन इन सारी चीज़ों को मर्ज कर दिया गया है और भर्ती के मानक भी बदल गए हैं। प्राइमरी शिक्षकों से लेकर के विश्वविद्यालय तक के जो है शिक्षकों का जो भर्ती के मानक हैं उसमें परिवर्तन हो गया है। आपको इस समाचार को जानने की ज़रूरत है यदि आप भविष्य में शिक्षक बनना चाह रहे हैं और शिक्षक बनने का सपना देख रहे हों, चाहे वो ग्राउंड लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक की बात हो, और ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सब कुछ जो है एक ही शिक्षा आयोग करेगा और उसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग। सारे शिक्षा आयोगों को ख़त्म करके एक नया नाम दे दिया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग। तो आइए हम इस इन्फॉर्मेशन को, इस समाचार को डिटेल में देखते हैं और देखते हैं कि भर्ती के मानक क्या होंगे, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इस नए शिक्षा आयोग में। हाँ तो दोस्तों, ये लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप। शीर्षक, नया आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यूपी एजुकेशन सर्विसेज कमीशन के नाम से जाना जाएगा, अथवा इसे उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विसेज कमीशन भी कहा जा सकता है। सेवाएं, इस आयोग द्वारा चयनित की जाने वाली सेवाएं, प्रांतीय शिक्षा सेवाएं कहलाएंगी, जिसके मुख्यतया तीन श्रेणियां होंगी। नंबर वन, का वर्गीय सेवाएं, उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगे। नंबर टू, खा वर्गीय सेवाएं, माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। तीसरा, ग वर्गीय सेवाएं, प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। यानी प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं वर्ग ग में समाहित होंगी। चैप्टर द्वितीय, प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग एवं आयोग के घटक। आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्यों से है जो आयोग के घटक हैं। अध्यक्ष, आयोग का एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की अर्हता
उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गई अर्हता मान्य होगी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। आयु, अध्यक्ष पद हेतु वर्तमान में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष की आयु संबंधी अर्हता मान्य होगी जो अधिकतम 65 वर्ष होगी। योग्यता, अध्यक्ष की योग्यता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 के तहत दी गई योग्यता मान्य होगी। अब इनके सदस्यों के बारे में जानते हैं। सदस्य, आयोग में 14 सदस्य होंगे जिनमें 2 कोटि के क्रमशः 8 एवं 6 सदस्य होंगे। क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्यों की अर्हता का मानक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 के तहत निर्धारित योग्यता से होगा। इनकी आयु, कार्यकाल एवं भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अथवा उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा। क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्य की अर्हता योग्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में निर्धारित अध्यक्ष सदस्य की योग्यता होगी। नोट, क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य उच्च शिक्षा में साक्षात्कार लेने हेतु अर्ह होंगे एवं क्रम संख्या 9 से 14 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्यों शिक्षकों के साक्षात्कार हेतु अर्ह होंगे। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि क्रम संख्या 1 से 8 तक के सदस्य माध्यमिक शिक्षा में साक्षात्कार करने हेतु भी अर्ह होंगे, परंतु 9 से 14 तक के सदस्य अपने ही वर्ग में अर्ह होंगे। यानी 1 से 8 तक के जो सदस्य हैं वो दोनों ही वर्गों में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू ले सकते हैं। वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि की सुविधाएं सभी सदस्यों को समान रूप से प्राप्त होंगी। आयोग का निर्णय, आयोग में निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। बराबरी रहने पर अध्यक्ष को भी मताधिकार का अधिकार होगा। प्रत्येक सदस्य को आपत्ति की स्थिति में छौजम व का अधिकार होगा, परंतु बहुमत की स्थिति में निर्णय लिए जाने का अधिकार बना रहेगा। आयोग का संचालन, चूंकि आयोग पूरे राज्य में शिक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा इसलिए इसके सफल संचालन हेतु निम्न पद आवश्यक हैं। नंबर 1, सचिव। इस पद के लिए पूर्णकालिक सरकारी वेतन आहरित अधिकारी योग्य होंगे जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे। इनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार की सेवा श्रेणी प्रथम की सेवा शर्तें अर्थात अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी अधिकारी की सेवा शर्तों के तहत निर्धारित होगी। फिर नोट, कार्य के उचित संचालन हेतु उप सचिव एवं सहायक सचिव रखे जाएंगे जिनकी संख्या अधिकतम 5 हो सकती है। इनकी योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार की पूर्णकालिक सरकारी सेवा श्रेणी प्रथम के अधिकारियों के समतुल्य होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा संवर्ग के प्रादेशिक अधिकारी, महाविद्यालयों के प्राचार्य, आचार्य एवं महाविद्यालयों के उपाचार्य भी अर्ह होंगे। सचिव के कार्य, उच्चतर शिक्षा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा आयोग में संप्रति सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होगा, साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच के समन्वय का भी उत्तरदायित्व होगा। इनके चयन, वेतन, भत्ते, आवास इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार के अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की परिनियमावली के तहत निर्धारित होगा। फिर नंबर 2 है परीक्षा नियंत्रक। आयोग की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक होगा। इसे परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता तथा स्तरीय परीक्षा निर्धारण का समस्त अधिकार होगा। परीक्षा नियंत्रक सेवा श्रेणी प्रथम के स्तर से निम्न नहीं होगा। इस पद पर राज्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी अथवा केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे जिनके वेतन आदि का निर्धारण उनकी सेवाओं में उल्लिखित एवं निर्धारित व्यवस्था अनुसार होगा। कार्य, परीक्षा नियंत्रक त्रिस्तरीय प्रांतीय शिक्षा सेवाओं के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन करेगा।
ये परीक्षाएं कम से कम साल में एक बार अवश्य आयोजित होंगी। परीक्षाओं के संचालन में प्रासनिकों, साक्षात्कारता परीक्षकों आदि का पैनल परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा, जो प्रत्येक 3 साल पर पुनर् जो है समीक्षित, परिवर्तित एवं परिवर्धित की जाती रहेगी। फिर बात आती है चैप्टर तृतीय। तीसरे चैप्टर में क्या है? आयोग की शक्ति एवं कार्य। आयोग महाविद्यालय के प्राचार्यों, सहायक आचार्यों एवं माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड टीचर तथा प्राथमिक सहायक अध्यापकों के, प्राथमिक में सहायक अध्यापकों के नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं साक्षात्कार कर सकेगा। आयोग को परीक्षा प्रणाली, परीक्षकों, प्रासनिकों, साक्षात्कारकर्ताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण करने का अधिकार होगा। आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग 1980 एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग 1980 में विहित अधिकृत समस्त कार्यों का अधिकार धारण करेगा। आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति उपरोक्त विभिन्न स्तर की नियुक्तियों हेतु अलग से भी परीक्षा साक्षात्कार प्रणाली को प्रयोग कर सकता है। फिर चौथा चैप्टर है नियुक्ति परीक्षा प्रणाली। चूँकि आयोग उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की त्रिवर्गीय सेवाओं हेतु अधिकृत है, इसलिए नियुक्ति हेतु परीक्षा प्रकृति वर्गानुसार निम्न होगी। पहला का वर्गीय सेवाएं, उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य हेतु सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सामान्य ज्ञान 30 अंक, संबंधित विषय 70 अंक एवं साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित होंगे। आचार्य एवं महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे, जिसमें एपीआई प्रशासनिक दक्षता, विधि व्यवस्थापन हेतु अंक निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। नंबर 2 खा वर्गीय सेवाएँ। खा वर्गीय सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वह उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से अर्ह होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों पर होगा। फिर आता है गा वर्गीय सेवाएं। मित्रों, यही सेवाएं हम लोग से संबंधित हैं, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित TET अथवा CTET के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। इस पॉइंट पर एक बार आप फिर से ध्यान दे लीजिए कि अब जो नया शिक्षा आयोग बना है उसमें प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती होगी उसमें जो टेट होगा या CTET होगा उसमें प्राप्तांकों का 1/4 जोड़ा जाएगा और अभ्यर्थी के जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसका मेरिट भी उसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही लिखित परीक्षा के अंक भी जोड़े जाएंगे। यानी इस तरह से 3 तरह की जो है मेरिट बनेगी, 3 तरह की मेरिट के आधार पर शिक्षक की भर्ती होगी। पहली है एकेडमिक परीक्षाएं, जो ग्रेजुएशन तक BEd तक दे रखा आपने उसके अंक। फिर दूसरा नंबर है टेट या CTET के 1/4 अंक। फिर तीसरा है जो है उसके बाद जो है ये 2 तो यही हो गया, टेट और CTET। टेट या CTET के जो है 1/4 अंक लिया जाएगा और जो है आपकी जो एकेडमिक मेरिट है वो लिया जाएगा और लिखित परीक्षा जो होगी उसके अंक जोड़ करके, यानी तीनों के अंक जोड़ करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। यही सबसे विशेष है इस समाचार में।
तो मित्रों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस बेल आइकन, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल कर दीजिए और दूसरे मित्रों को इसे शेयर भी कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास सीधे पहुंच जाए। और यदि आपको शिक्षक से संबंधित कोई और वीडियोस देखना है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ आपको एक डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपकी ज़रूरत की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।